दुनिया भर में पबजी गेम के बहुत से यूज़र हैं। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि पिंग क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि पिंग क्या होता है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पबजी गेम के इस्तेमाल होने वाला पिंग क्या है, इसके द्वारा आप क्या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आम भाषा में बात करें तो पिंग हमारे कंप्यूटर में किए गए ओपन जाने वाले आईपी एड्रेस तक हमारा डेटा पैकेज कितनी देर में पहुंचाता है या हमारी इन्फॉर्मेशन कितनी देर में पहुंचा रही है, इसके बारे में बताया है। यह मिलीसेकंड में नापा जाता है। जब भी मिलीसेकंड की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन फास्ट है, और अगर इसकी मिलीसेकंड वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन बहुत स्लो है। मान लें कि आपके पिंग करने पर आपको 170 मिलीसेकंड का रिस्पांस मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन 170 सेकंड में आपको रिटर्न रिस्पांस दे रहा है। और अगर यही रिस्पांस बढ़कर 500 मिलीसेकंड पर चल रहा है तो उस दौरान यह मान सकते हैं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है और आपको सर्वर से रिस्पांस भेजने और प्राप्त करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। क्या आपको पता है पबजी गेम को किसने बनाया है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी पता होनी चाहिए कि आखिर इस गेम को किसने बनाया है, तो आज हम इसी सवालों के आपको जवाब देंगे। इस गेम को आयरलैंड के व्यक्ति ब्रैंडन ग्रीन ने बनाया है। वैसे तो यह ब्रैंडन ग्रीन के बारे में सुना होगा कि वो शुरू से ही गेम के ही शौकीन थे और इसलिए वो आर्म नाम का गेम खेलते थे। इसके बाद उनके माइंड में आया कि वो खुद का एक गेम बनाए, और इसी रिस्पॉन्स से उन्होंने डेवलपर बनने का सोचा और कुछ ही समय में डेवलपर बन भी गए और उन्होंने गेम बनाना स्टार्ट कर दिया।